नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीबाइट्स में और मैं हूं आपके साथ आपके होस्ट एंड दोस्त काजल सिंह। दोस्तों, वैलेंटाइन का मौका है और टेलीबाइट्स की तरफ से आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। दोस्तों, वैलेंटाइन का मौका है, इसी वजह से आज हम बहुत सारे सितारों से बातचीत करेंगे, उनके रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे कि कैसे उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। तो आज हमारे साथ हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फ्रेम एक्टर एंड एक्ट्रेसेस सर एंड मैम। We are very good. Nice to be on Telebytes and thanks to Telebytes कि हमको इतनी अच्छी जगह पर लेकर आए हैं और जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है यानी कि खाना, वो खाना खिलाने के लिए अगर Telebytes हमें कहीं पे भी बुलाता तो हम ज़रूर पहुँच जाते हैं। I'm really good. Happy Valentine's Day. क्योंकि ये सिर्फ कपल्स का ही ओकेजन नहीं है, हम सबका ओकेजन है। प्यार बांटने का जो भी ओकेजन होता है वो सबका होता है, इसलिए हम कपल्स का ही नहीं है, सबका है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और थाली, सो व्हाट्स इन माय थाली टुडे, आज क्या खाने वाले हैं हम लोग, आप लोगों को अभी देखने को मिलेगा। तो मैम सर, आप एक्साइटेड हैं हम स्टार्ट करें सेगमेंट द ब्लाइंड फोल्ड? प्लीज स्टार्ट, क्योंकि हमें भूख भी बहुत लगी है। और आँख बंद करके खिला दो जो खिलाना है। वैसे हम बहुत बड़े फूडी हैं, आई थिंक पकड़ ही लेंगे ना। अच्छा मैम, मैंने एक चीज़ सुना है कि सर नॉनवेज खाते हैं, खाना पसंद करते हैं, आप प्योर वेजिटेरियन है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे घर पे चलता है? कॉम्बिनेशन तो चल ही जाता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की जो होती है ना खाने की पसंद, उसका बहुत ध्यान रखते हैं। अगर मैं बाई चांस घर पे बिरयानी बना रहा हूँ, मैं घर पे बहुत ज़्यादा खाना बनाता रहता हूँ कि मुझे शौक है खाना बनाने का, तो अगर मैं अपने लिए चिकन बिरयानी बना रहा हूँ तो उसी समय मैं इनके लिए पनीर बिरयानी बना देता हूँ। सो अगर चिकन चिली बना रहा हूँ तो पनीर चिली बन जाता है। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन में चलता रहता है और इसी तरह हम एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं। नाइस कॉन्सेप्ट। तो चलिए मैम, हम सर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू टू महाराजा भोग ऑल्सो, जहाँ पर हम आए हैं आज की स्पेशल थाली खाने के लिए। और क्योंकि ये जगह एक्चुअली हमारे घर के बहुत पास है, फिर भी हम यहाँ पर बहुत कम आए हैं, लेकिन आज मौका मिला आने का तो अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है कि हम आज के बाद यहाँ पर बार बार आया करेंगे। थैंक यू। तो पहले किसके हम आँख बंद करें, सर के या फिर मैम के? मेरा कर लो। वैसे हमारी आँखें तो इनको देखने के बाद बंद हो चुकी हैं, कोई और लड़की नज़र ही नहीं आती उसके बाद, तो इनकी बंद कर दीजिए पहले। बहुत सारा केसर है इसमें। ये कुछ केसर का शरबत लग रहा है। राइट, केसर का शरबत ही। आई एम अ फूडी। केसर का शरबत है, मीठा है, अच्छा है, बहुत मीठा लगा। राइट, वेरी फ्रेश, वेरी नाइस, बहुत ही सॉफ्ट और ताज़ा ढोकला है। ये तो मेरा बहुत 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 फेवरेट आइटम है, समोसा। इसकी तो दूर से खुशबू से भी मैं पहचान लूँगी। समोसा है लेकिन समोसे की शेप में नहीं है। कचौड़ी की शेप में समोसा है ऐसा लग रहा है मुझे। पोटली की शेप में? पोटली की शेप में भी नहीं। अच्छा, ये है स्प्रिंग रोल की शेप। कौन सा बोला? वर्षा ढोला। ये तो आइटम ऐसा है जिसके बारे में हम कल परसों ही बात कर रहे थे, चम्मच में है बोल लोगों। कर लेना चाहिए। मटर है क्या? रगड़ा पेटिस। हाँ, समथिंग लाइक दैट। रगड़ा पेटिस नहीं, ऐसे कुछ आइटम है। मटर और अनियन का टेस्ट आ रहा है। रगड़ा पेटिस ही है, सही है। You are right. Wow. I'm a foodie. Salad है। किसका? खीरा है। जो खीरा टमाटर वाला होता है ना, वो वाला। चम्मच में है, हल्की सी बॉम है। तुम्हारी फेवरेट है? पनीर, शाही पनीर लग रहा है। नहीं। I can guess it is paneer. उसके आगे नहीं, पनीर की सब्जी है। I think it is. मैं देख के बता रहा हूँ, पता नहीं I may be wrong also. It looks like corn पालक पनीर। पालक पनीर। पालक पनीर। Yes, corn आया वो मैं हूँ। Yeah.
दाल दिस इज़ कड़ी दही की दिस इज़ योर फेवरेट कड़ी कड़ी टाइप का ही था मीठा खट्टा समथिंग टू ईट विद राइस खट्टा मीठा सही कहते हैं खट्टी मीठी कड़ी है खट्टी मीठी कड़ी है ना राइस अदरक के टुकड़े पड़े हैं इसके अंदर फ्रूट सैलेड वो अनारदाना आया आई थिंक बनाना भी आया साथ में हलवा करेक्ट ना किस चीज का हलवा चलो ये पूछते हैं और मेरे गेस करने दो तीन देना गेस मूंग दाल यस मूंग दाल का ही है अरे वाह 6 out of 6 वाओ सही है ऐसी थोड़ी इतना खाता रहता हूं Wow. So, sir is winner. Sir is winner. So, winner today. And my, what? Gift, my treat will be? Special. A non-veg thali. That is my gift. That award, my nice. Award. So, you can enjoy your food now. तो मैम एंड सर आई होप आपने खाना इंजॉय किया आपको मज़ा आया वैसे काजल आपको हमारी थाली देखकर पता नहीं चलता कि हमने खाना कितना इंजॉय किया है वैसे हाँ जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऐसी थाली खाते हैं ना कुछ तो बच ही जाता है लेकिन आज इन लोगों ने इतने प्यार से खाना खिलाया हम मना करते रहे फिर भी वो लाते रहे और लेकिन हम भी रुके नहीं हम भी खाते रहे तो हमने तो वाकई में खाना बहुत इन्जॉय किया हर सब्ज़ी लाजवाब थी किसी एक की तारीफ नहीं कर सकते सो एवरीथिंग वॉज गुड एंड वी हैड अ वेरी गुड वैलेंटाइन लंच ओके बट अगर एक स्पेशल डिश बतानी हो तो आप कौन सी बताएंगे सर एंड मैम दोनों को पता कौन सी पसंद आई तुम बताओ मैं बोलूँगा यस और नो मीठी कड़ी खट्टी मीठी कड़ी बैंगन का भरता वो भी पसंद आया इक्वली पसंद बैंगन का भरता वाज वेरी नाइस वेरी डिफरेंट एंड वेरी कड़ी तो इज ऑल टाइम हिट तो उसको कोई खराब बना ही नहीं सकता लेकिन इसकी प्रिपरेशन बैंगन के भरते की बहुत ही अलग थी इसलिए हाँ अच्छा ओके सर इन सारे डिशेज में से आप कौन सी डिश सबसे अच्छी कुक कर सकते हैं मैं इनमें से बैंगन का भरता Okay. And one more thing, this palak paneer. And ma'am, you? Khichdi. She cooks different types of khichdis at home. And matlab. पता चल गया वो ज़्यादा ही बनाते हैं. वैसे वो अबू बोला मैं क्या बनाती हूँ वैसे अगर इनको बोलो ना 7 दिन अलग अलग खिचड़ी बनाए तो शी कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ खिचड़ी बाय मतलब राइस यूज कर लेती हैं ओट्स यूज कर लेती हैं दलिया यू नो व्हाटएवर एंड शी मेक्स हैप्पी हेल्दी लंचेस एट होम चलिए जाते जाते अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों मैसेज यही है कि वैलेंटाइंस का अवसर है आप भी किसी जगह जाइए प्यार से बैठिए अपनी फैमिली के साथ वैलेंटाइंस का ये मतलब वैसे नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही मनाए पूरा परिवार मना सकता है इट इज़ अ डे टू शो योर अफेक्शंस फॉर ईच अदर एक दूसरे के लिए जो प्यार होता है वो दिखाने का एक मौका है एक दिन है बस और कुछ नहीं है वैसे तो आप सब अपनी फैमिली में अपने भाई बहनों से प्यार करते ही होंगे बट एक दिन खास कर दीजिए कुछ ले जाइए बाहर घूमिए फिरिए कुछ यादें फोटो वोटो खींचिए तो मज़ा आएगा कि हमने भी वैलेंटाइंस पे इतनी मस्ती की थी और एक दूसरे के साथ अच्छे मोमेंट शेयर किए तो सर अभी आपने अच्छी मेमोरीज की बात की तो ऐसी कोई वैलेंटाइन की स्पेशल मेमोरी जो आप अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहते हैं हाँ जी हाँ एक बार हम लोग वैसे हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि वैलेंटाइंस पे बॉम्बे से बाहर जाएं हम दोनों लेकिन क्योंकि अभी बच्चे बड़े हो गए हैं तो बाहर निकलना इतना आसान नहीं है लेकिन शादी के शुरुआत के सालों में और जब खास करके हमारा बच्चा बहुत छोटा था तो हमने बहुत चीटिंग की है इसके साथ हम लोग चुपचाप निकल जाते थे उसको बेचारे को बहुत छोटा था तो पता भी नहीं चलता था अपनी नानी या दादी के पास रह जाता था ऐसे ही एक मोमेंट पर हम दोनों एक मौके पर हम गए थे रण ऑफ कच्छ जो गुजरात में है तो वो जो वैलेंटाइन नाइट हमने वहाँ देखी थी 14th February को जो वाइट सैंड्स में हमने जो फुल मून नाइट देखी थी वो अनफॉरगेटेबल है कि जिस तरह से वो पूरा जो सॉल्ट डेजर्ट है सफ़ेद चांद की रोशनी में चमक रहा था विदाउट एनी आर्टिफिशियल लाइट और हम दोनों वहाँ थे वहाँ पर टेंट्स लगे हुए थे फोक म्यूज़िक चल रहा था और बहुत अच्छे खाने का अरेंजमेंट भी हुआ था वहाँ पर और मौसम भी बहुत अच्छा था दैट इज़ वन पर्टिकुलर वैलेंटाइंस जो हमें हमेशा याद रहेगा वैसे हम दोनों तो कोशिश करते हैं कि हर वैलेंटाइंस हम कुछ ऐसा करें कि यादगार रहे इस बार भी ऐसा कुछ कर लिया है तो ये भी याद रहेगा अगली बार फिर कुछ ऐसा करेंगे मैम आपकी कोई स्पेशल मेमोरी
मेरी मेमोरी से उनके साथ ही जुड़ी हुई है एक्चुअली. तो हाँ, डेफिनेटली रन ऑफ कच्छ की बहुत अच्छी मेमोरी थी. और कहाँ गए थे हम, और भी कई जगह गए हैं ना वैलेंटाइंस पे खास खास, लेकिन ये एक्चुअली बहुत खास थी रन ऑफ कच्छ वाली, अनफॉरगेटेबल है. क्योंकि वो जो फुल मून था और वो जो वाइट सैंड था, जो सॉल्ट लेक था, और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था वो सारा जो है ना, और टेंट में रुकना, और एक अलग ही कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था ये वाला. ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा लंच इन्जॉय करने के लिए हमारे साथ टेलीबाइट्स के साथ. एंड स्पेशल मैसेज फॉर टेलीबाइट्स ऑडियंस. टेलीबाइट्स ऑडियंस, आपका यूट्यूब चैनल हम भी कभी कभी देखते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है. तो आज हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमें ये मौका दिया आपके साथ इस दोपहर को बिताने का, जो कि एक स्पेशल दोपहर है, वैलेंटाइंस आफ्टरनून है. और हमने तो बहुत एंजॉय किया आप लोगों के साथ. एंड आई होप दी ऑडियंस ऑफ टेलीबाइट्स ऑल्सो कीप्स वॉचिंग टेलीबाइट्स, बिकॉज इस पर आपको मिलेंगी असली खबरें थोड़े से स्पाइस के साथ. तो देखते रहिए, एंजॉय कीजिए. थैंक यू सो मच मैम. बस मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि खाने से जो एक है हमारा रिलेशनशिप, सबका एक रिश्ता जैसा होता है. मुझे ऐसा फील होता है हमेशा, हर इंसान का जो है ना खाने के साथ एक अलग ही अपना रिश्ता होता है. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं ये भी कहती हूँ कि खाने से हमें डरना नहीं चाहिए. सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि लोग अक्सर क्या होता है, खाने को उसे डर भी जाते हैं, चाहते हैं खाना फिर भी खुद को रोकते रहते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं. तो सबसे पहली बात, खुशी के ऊपर कुछ नहीं है, और हर चीज़ को बैलेंस कीजिए. मतलब अगर आप अच्छा खा रहे हैं, थोड़ा हेवी खा रहे हैं, तो थोड़ी एक्सरसाइज ज़्यादा कर लीजिए, अगले दिन थोड़ा लाइट खा लीजिए, लेकिन खाने से दूर मत भागिए. एंजॉय कीजिए खाने को भी और लाइफ को भी. ओके, हमने अपना ये लंच बहुत एंजॉय किया है, और हमारी बहुत बड़ी गलती होगी कि जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है हम उनका धन्यवाद ना करें. तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर आशीष महेश्वरी, जो कि महाराजा भोग के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और फाउंडर भी. आपने हमें यहाँ बुलाया और इतना अच्छा खाना खिलाया और इतने प्यार के साथ कि मज़ा ही आ गया. हम अब बार बार आपको तंग करेंगे.